हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से पूरे के पूरे भारत में यदि कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में नोटिफिकेशन जारी होता है, कोई भी सरकारी नौकरी के ऐसे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है, तो उससे हम सबसे पहले आपको अपडेट रखते हैं। तो यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी करना, यदि आपका सपना है सरकारी कर्मचारी बनना, तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि सरकारी नौकरी लगने के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है हर एक वैकेंसी से अपडेट रहना, रूबरू रहना। ठीक है, राजस्थान में पटवार का एग्जाम हो चुका है और आप सभी ने उसका, जो बहुत सारे कोचिंग वाले हैं उन्होंने उसकी आंसर के डाल दी है, आप सभी ने मैच कर लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कितना हमारा स्कोर हो रहा है। ठीक है, और मैंने उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो बना दिया है। हमने कोशिश की है कि जो हम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बता रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। ठीक है, उसके लिए हमने बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स का यूज किया है। अब हम बताने वाले यहां पर कि इसकी ऑफिशियल आंसर की कब तक जारी की जाएगी और इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। ठीक है, देखो प्रेजेंट टाइम की बात करें, पिछले साल को हटा दो और सितंबर से पहले का टाइम हटा दो, मतलब जून से पहले का टाइम हटा दो, उससे पहले थोड़ा सा ढीला काम चल रहा था राजस्थान में सरकारी नौकरियों के संबंध में, लेकिन अब थोड़ी सी तेजी दिखाई है। जैसे रीट का देख सकते हो आप सीधा एग्जाम्पल, एग्जाम हुआ तुरंत ऑफिशियल आंसर की आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्शन का सिलसिला हुआ और तुरंत फिर क्या हो गया, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब इसी मंथ के लास्ट तक उसकी कट ऑफ भी जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। पटवार का पेपर हो चुका है, जहां तक पूरा चांस है, जहां तक लगता है, हमने जहां तक लोगों से बात की है वहां से हमें पता चला है कि नवंबर के लास्ट तक, कब तक, नवंबर के लास्ट वीक तक इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन भी लगेगा। आपको पता है कि यहाँ पर हर एक पेपर में एक दो क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए पोर्टल ओपन करेंगे, फिर ऑब्जेक्शन लगेगा और जैसे ही ऑब्जेक्शन का सिलसिला खत्म होगा उसके तुरंत बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नवंबर के लास्ट तक इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी, उसके बाद 5 से 10 दिन तक ऑब्जेक्शन का सिलसिला चलेगा। ठीक है, यदि कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं लगता है, वैकेंसी आगे तक नहीं पहुंच पाती है, मतलब जो ऑब्जेक्शन का सिलसिला वो आगे तक नहीं पहुंच पाता है, तो रिजल्ट है वो स्टार्ट, ठीक है, मतलब सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। और यदि किसी कारणवश ये फंस जाता है सिलसिला, ऑब्जेक्शन वाला सिलसिला फंस जाता है, तो फिर आप उसके बारे में खुद सोच सकते हैं कि ये वैकेंसी कितने लंबी जा सकती है, डिले हो सकती है। लेकिन जहां तक चांस है, राजस्थान गवर्नमेंट इन सभी वैकेंसियों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने की सोच रही है, तो नवंबर के लास्ट वीक तक आंसर किया जाएगी और सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है सारी जो पता थी हमें, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। कैसी लगी एक बार कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं जो पटवार की ऑफिशियल आंसर की और पटवार के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के साथ शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।